अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू फरहान अब्बासी यूट्यूब चैनल। दो जगह पे वैकेंसीज़ हैं, अगर आप पाकिस्तान से दुबई आना चाहते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए तो दो जगह पे सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली तो एजेंसी है जी पलंदरी ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट एजेंसी, और ये जो पलंदरी ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट एजेंसी है अच्छा काम करती है। ये इसके जो CEO हैं ये शहजाद काशिर साहब हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और फेयर काम करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पलंदरी ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसी में तशरीफ़ ले जाएं, यहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं 22 अक्टूबर को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए दुबई के लिए। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो सैलरी बताई है कि आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं दुबई आ जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए तो आपकी सैलरी अराउंड 1920 दिरहम बनेगी, और उसके अलावा जो ओवर टाइम वगैरह मिला के 2100 बनेगी एज पर शहजाद काशिर साहब के। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो 22 अक्टूबर को जो है वो ये इंटरव्यूज़ हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उससे पहले आप एजेंसी तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पे आप उनसे डील कर सकते हैं, आप उनसे मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। कितना ख़र्चा है ये तो नहीं बताया, पर 22 अक्टूबर को जो है वो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स और एड्रेस जो है वो पिक्चर में दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये सारी डिटेल्स हैं पलंदरी ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट एजेंसी की। जो दूसरी एजेंसी है वो है याकूब एंड सन्स रिक्रूटमेंट एजेंसी, और यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, और यहाँ पे जो सैलरी है वो 2262 दिरहम इन्होंने बताई है। और ये स्पार्क सिक्योरिटी दुबई की मतलब नॉर्मल कंपनी है, इतनी अच्छी भी नहीं है इतनी बुरी भी नहीं है, स्पार्क सिक्योरिटी सर्विसेज, और इस कंपनी के लिए वीज़े हैं और 2262 सैलरी इन्होंने बताई है 12 घंटे काम के लिए इनके। अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये स्क्रीन पर जो सारी डिटेल्स है और एड्रेस है यहाँ पे देख के आप एजेंसी तशरीफ़ ले जा सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।